हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को लेकर बात करने वाले हैं। साथ में इस वीडियो में 3 से 4 मिनट का वीडियो होगा, जिसमें हम कंप्लीट फुल स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को कैसे क्लियर किया जाता है। साथ में वो 5 पॉइंट बताऊंगा जिसके तहत आप सबको अपनाना है और आप सभी को फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर करना है। जिनका भी ये फर्स्ट अटैम्प्ट है वो ट्राई करना है, 100% देना है, ताकि आप सभी का एग्जाम फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो जाए। और जिनका भी सेकेंड अटैम्प्ट ये होने वाला है, उन सभी को तो और भी ज़्यादा मेहनत करना है, ताकि ये एग्ज़ाम जो है आप सभी का क्लियर हो जाए और किसी भी तरह का परेशानी ना हो। तो बस करना क्या, कोई इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और ये 5 जो स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा, 5 पॉइंट, वो सभी को अपनाना है। इसके अलावा हर एक एडवोकेट का ये सपना होता है कि जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हें सर्टिफिकेट और प्रैक्टिस मिल सके, ताकि उन्हें एडवोकेट बनने में कोई परेशानी ना हो, एडवोकेट वो बन सके। इसलिए इस एग्जाम को क्लियर करना जरूरी होता है। तो आप सभी को यहाँ पर ध्यान देना है, ये इस वीडियो में, इस वीडियो के तहत ही आपको पूरा जो है अगला 2 महीना का, फरवरी में एग्जाम होने वाला है ना, तो आपको जो भी है 2 महीना का पूरा स्ट्रेटेजी, 1 से 1.5 महीने का जो है वो इस वीडियो के थ्रू पता चलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो 5 स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए इस एग्जाम को लेकर। तो सबसे पहला हम बात करेंगे, जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन है वो हर एक कैंडिडेट्स जो इस बार देने वाले हैं देंगे, उन सभी के पास सबसे पहला जो है बेर एक्ट होना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि ये ओपन बुक वाला नहीं रहेगा कि आप कुछ भी लेकर चले जाओ एग्जाम में, यहाँ पर बेर एक्ट है विदाउट नोट्स वाले। तो यहाँ पर वही बेर एक्ट रखना है जो विदाउट नोट्स वाले, ताकि आपको एग्जाम में किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। तो पहला जो स्ट्रेटेजी है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, पहला स्ट्रेटेजी आप सभी का होना चाहिए कि बेर एक्ट आपके पास जरूर होना चाहिए, ठीक है, जो भी बेरेक्ट आप लेना चाह रहे हैं। और बेरेक्ट के ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जहाँ से आप बेरेक्ट अगर आपके पास नहीं है तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। वहाँ मोबाइल नंबर दिया हुआ है, मोबाइल नंबर पे कॉल करके आप परचेस कर सकते हैं विथ डिस्काउंट, और होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो। और यहाँ पर जो सेकेंड पॉइंट हमारे पास है, सिलेबस, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, सिलेबस फॉर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, ये 17 का सिलेबस है। और इसी तरीके से यहाँ पर जो मैं आपको इसमें स्ट्रेटजी बताऊँगा वो 5 ऐसा होगा, डेट मीन्स आपके पास जो ये 5, जैसे 5 फिंगर होते हैं ना एक हाथ में, सेम यहाँ भी क्या करना है कि इस सिलेबस में टोटल जो सब्जेक्ट है, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, टोटल जो सब्जेक्ट है वो 19 है। टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो आपके पास है वो कितना है, 19 है, और टोटल मार्क्स जो है यहाँ पर वो 100 है। लेकिन यहाँ पे बस आपको 5 फिंगर की तरह अपने हाथों में, जैसे वैसे ही ठीक आपको 5 ऐसे सब्जेक्ट को पकड़ना है जो आपको वो पास करवा दे, ठीक है। क्योंकि यहाँ एग्ज़ाम में 40 मार्क्स लाने पे पास हो जाता है कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर जो पहला सब्जेक्ट है, जो वो 5 सब्जेक्ट है वो आपको देखना है। पहला जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, ठीक है, वो 10 मार्क्स का है। आईपीसी 8 मार्क्स का है। सीआरपीसी 10 मार्क्स का है। सीपीसी 10 मार्क्स का है। एविडेंस एक्ट 8 मार्क्स का है। तो ये टोटल मार्क्स कितना हो जा रहा है, ये टोटल मार्क्स आप सभी का हो जा रहा है 46। तो ये 46 है, जिसमें से 40 तो आ ही जाएगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं। ये 5 स्ट्रेटजी, बट एक और आपको सब्जेक्ट एडिशनल में जोड़ना है, ताकि वो आपको प्लस पॉइंट, यानी फैमिली लॉ की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ, 8 मार्क्स का, ठीक है। ये 6 सब्जेक्ट जो आपको कमांड कर लेना है, ताकि एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आए यहाँ से वो आप अटेम्प्ट कर सके। और ये 6 सब्जेक्ट का जो मार्क्स मिला के हो रहा है वो आपका हो जा रहा है 54। अब यहाँ पर ऐसा तो नहीं कि ये 40 मार्क्स का, बहुत सारे ऐसे बताते हैं कि अगर आप 40 मार्क्स का तैयारी कर लो तो आपका निकल जाएगा एग्ज़ाम, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको एलवेज जो है 10 नंबर या 20 नंबर एक्स्ट्रा तैयारी करके जाना है, ताकि आपका कम से कम 40 आ ही जाए। या फिर पता चला कि आप 40 मार्क्स का रेडी करके जा रहे हो और वहाँ पे 40 मार्क्स की जगह पे 30 या 35 आ रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर मैंने जैसे कि बताया, तो इस तरीके से आपको 6 सब्जेक्ट जो मैंने बताया है वो आप कंपलसरी है कि आपको ये पढ़ना ही है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो और भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं जो जो 4 मार्क्स का है, और ये सारा जो है बेरेक्ट आपके पास होना जरूरी है, ठीक है, बेरेक्ट, ताकि आप इससे तैयारी कर सकें बहुत अच्छे तरीके से। और इसके अलावा, ठीक है, ये आपका हो गया। अब जो मैंने सब्जेक्ट बताया है, यहाँ पर टोटल 19 सब्जेक्ट है। इसके अलावा जो आप सभी का जो, अगर आप इसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं, या फिर जो एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अगर उसके ऊपर आपको वीडियो देखना है तो आप कमेंट कीजिए। ये जो 19 टोटल सब्जेक्ट हैं उनमें से कौन कौन सा आप देखना चाहते हैं, जिसके ऊपर मैं वीडियो एमसीक्यू डाल दिया करूँगा हर सैटरडे या संडे को। तो अगर आपको कोई भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए कि सबसे पहले आप कौन सा टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाह रहे हैं। इसके अलावा जो थर्ड आपके पास होना चाहिए, वो क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए एग्जाम को लेकर, वो है टाइम को लेकर। प्रिपरेशन में टाइम देना बहुत जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। आप सभी का एग्जाम आने वाला है फरवरी में, तो आप सभी को यहाँ पर कोई भी एग्जाम हो, या फिर वो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन हो, या जुडिशरी का एग्जाम हो, या एपीओ का एग्जाम हो, हर एग्जाम में आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक फिक्स टाइम आपके पास होना चाहिए। फिक्स टाइम मतलब आपको कम से कम 3 आवर्स इन अ डे, कम से कम 2 से 3 घंटे जो है आपको रेगुलर देना है, ठीक है,
कम से कम ये जो आपका स्ट्रेटजी होगा ये जनवरी तक होना चाहिए, एंड जैसे ये फरवरी एंट्री होगा उसको आपको बढ़ा के कर देना है 5 आवर्स, ठीक है। यानी 2 से 3 घंटे आपको पढ़ना है जनवरी तक, और फरवरी के जैसे 1 फरवरी आता है वैसे आपको 5 घंटे पढ़ना है, और 5 घंटे में आपको क्या पढ़ना है वो आपको डिसाइड करना है। जो मैंने बताया है वो ब्रेक तो कंपलसरी पढ़ना ही है, उसके अलावा और भी अगर आप सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, वो आपके ही बेनिफिट होगा इसमें, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी आपको टाइम जरूर अरेंज करना है रेगुलर, ऐसा नहीं कि आप आज पढ़ रहे हैं कल नहीं पढ़ रहे हैं फिर परसों पढ़ रहे हैं, तो ये डिस जो है टाइम मैनेजमेंट आपके पास ज़रूरी होना चाहिए, ठीक है। और इतना आप 2 से 3 घंटे रेगुलर पढ़ लोगे तो कंपलसरी ये फिक्स्ड है कि आपका एग्ज़ाम निकल ही जाएगा। नेक्स्ट जो आपके पास स्ट्रेटजी होना चाहिए एग्ज़ाम को लेकर वो क्या होगा, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है आप सभी के पास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आप सभी के पास होना चाहिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की मैं जब भी बात करता हूँ तो जितना भी आप सॉल्व कर सकते हैं पूरा सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो कम से कम 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आपको ज़रूर सॉल्व करना है, जिसमें से मैंने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 16 का अपलोड कर रखा है चैनल के ऊपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आप देख भी सकते हैं, ठीक है। उसका लिंक भी मैं लास्ट तक दे दूंगा। और इसके अलावा जो भी और है 4 और, डेट मीन्स मैंने 5 बताया, कम से कम प्रीवियस ईयर जो है 5 आपको सॉल्व करना है, जिसमें से एक मैंने 16 वाला कर दिया है अपलोड, और जो बाकी 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो भी टाइम टू टाइम आपको अपडेट दे दिया करूँगा। तो आपको बस करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि वो भी अपडेट आपको पहुँच जाए, ठीक है। तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सभी को सॉल्व कर लेना है। एंड नेक्स्ट और जो लास्ट आप सभी का स्ट्रेटजी होना चाहिए एग्ज़ाम को लेकर, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को लेकर, वो आपका क्या होगा, MCQ, डेट मीन्स यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्योंकि आप सभी का जो क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव टाइप आता है, MCQ आता है, तो आपको MCQ जितना हो सके वो हर एक सब्जेक्ट का सॉल्व कर लेना है ताकि आपको किसी भी तरह का परेशानी ना हो। तो यहाँ पर जो भी मैंने आपको बताया ये 5 स्ट्रेटेजी बताया है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में, इसी के थ्रू आप एग्ज़ाम क्लियर भी कर पाओगे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। बस जो भी अगर आपको कोई भी वीडियो देखना है, ये 19 सब्जेक्ट है, 19 में जिसमें भी आपको वीडियो देखना है आपको कमेंट करना है नीचे कौन कौन से सब्जेक्ट के ऊपर MCQ क्वेश्चन देखना है, तो आप मैं उसके ऊपर हर एक सैटरडे या संडे को वीडियो अपलोड कर दिया करूँगा, उसे आप देख लीजिएगा, तो उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिलेंगे। तो आप कमेंट जरूर करें साथ में, ये आपको स्ट्रेटेजी कैसा लगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए कानूनी कीड़ा को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, साथ में इस वीडियो को जितना हो सके शेयर भी कर दें ताकि जितने भी कैंडिडेट हैं वो सभी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर सके। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।